ऐसे सवाल, अच्छे सवालों का कलेक्शन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें ये पता है, पहला क्वेश्चन, कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट होते हैं, कोई भी इनडिटर्मिनेंसी यहाँ नहीं प्रोड्यूस होने वाली है। तो यहाँ सीधे एक्स की वैल्यू क्या प्लेस कर देंगे? थ्री प्लेस कर देंगे। तो 3 + 3 क्या आ गया? 6 आंसर हो गया। यहाँ पे एक समस्या है, कोई कह सकता है 0 है, गलत बात, क्योंकि पाई की जो वैल्यू क्लोज टू 22/7 होती है, लेकिन पाई की दुनिया अपनी अलग है। पाई होता क्या है? दैट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये पाई एक इरेशनल क्वांटिटी होती है, जबकि 22/7 क्या है? रेशनल है। हम लोग कभी कभी इसकी वैल्यू इसके क्लोज होती है, इसलिए बराबर यूज कर लेते हैं, लेकिन ये ओकेजनल है। पाई और 22/7 दोनों बातें एकदम अलग अलग है। तो आंसर क्या बोलेंगे? ये भी फाइनाइट है, इनडिटर्मिनेंसी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम पाई, ये एक्स था यहाँ पे ना, एक्स एक्स है सॉरी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई रख देंगे, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? 22/7। और ये ध्यान रहे, ये 0 नहीं होने वाला है, इसको ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिएगा, ये 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि पाई क्या है? इरेशनल क्वांटिटी है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी होती है, क्लोज टू 22/7 होती है, लेकिन वो इक्वल टू नहीं होती है 22, क्योंकि कभी भी इरेशनल रेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, रेशनल फॉर्म ऑफ द लिमिट, रेशनल लिमिट है, ये रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन, ऊपर पी एक्स हो गया, नीचे क्यू एक्स हो गया, लेकिन जब हम 4 प्लेस करेंगे तो हम ये चेक करेंगे क्या इनडिटर्मिनेंसी प्रोड्यूस हो रही है। आंसर है, ऊपर क्या आ रहा है? 16 + 3 कितना हो जाएगा? 19, और नीचे आ जाएगा 2, है ना, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नॉन डिटरमिनेंट मतलब नॉन डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट है ये, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट हो गई, तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए डायरेक्ट, कुछ भी नहीं सोचना हम लोगों को। +3/4 - 2 दैट इज 19/2। तो ये पहले 3 क्वेश्चन है, अब आगे हम लोग अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये R में क्या है? क्वाड्रेटिक है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट है, R की डायरेक्ट वैल्यू 1 हम प्लेस कर देते हैं, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया? पाई आ गया। सेकेंड पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम, ये रेशनल फंक्शन है ठीक है, जिसमें ये न्यूमरेटर -1 के लिए कितना आएगा? +1, और ये हो गया -1, 0 हो जाएगा और +1 बचेगा, न्यूमरेटर 1 आएगा और नीचे -2 आएगा, ये भी फाइनाइट है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, इनडिटर्मिनेंसी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो यहाँ भी वैल्यू रख देंगे, तो आंसर 1/-2, या यूं कहें -1/2 आ गया। अब तीसरे सिक्स्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक्स अगर 0 प्लेस करते हैं तो न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है, जो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट। इसका मतलब इसके लिए और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े, एक फॉर्म पढ़े थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और इसका आंसर आता था एन ए की पावर एन -1। इस लिमिट को हम वहीं पहुंचा देंगे। करें क्या हम लोग, x+1 को आप एक डमी वेरिएबल t से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां लिख लेंगे लेट x+1 = t हो गया। अब सारा क्वेश्चन, जो सारी लिमिट है, उसको t में ट्रांसलेट करना है, तो पहले जहां t माने वहां t रख देते हैं, t की पावर 5 हो गया, -1 हो गया, x को क्या लिखा जाए वो यहां से जवाब मिलेगा, x को हम t-1 लिख देंगे, t-1 हो गया। अब ये तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 था, तो यहाँ t अप्रोचिंग टू हमें चाहिए क्या, t किसको अप्रोच करेगा, तो बहुत सिंपल है, x देखिए यहाँ 0 रखिए, तो t क्या हो जाएगा? 1, मतलब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो t 1 को अप्रोच करेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? वेरिएबल, डमी वेरिएबल t में। अब देखिए ये यही फॉर्म हो गई, जहां पे 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं, मतलब n क्या है, n हो गया आपका 5, और a क्या है, a हो गया आपका 1 की पावर n-1, मतलब 5-1, और 1 की पावर कुछ भी होती रहे वो तो 1 ही आनी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, दैट इज अ
वर्किंग, कैसे वर्क करेंगे इसको, तो देखिए ये सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में अगर आप टू प्लेस, ये एक रेशनल फंक्शन है, px बाई qx है, तो हमें चेक करना बनता है कि ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। टू प्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ये टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा, और ये भी माइनस ट्वेल्व जीरो हो गया, डिवाइडर भी जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, यहाँ इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है। अब क्या किया जाए, दो तरीका है, इसको फैक्टराइज करिए, है ना। अगर x इक्वल टू टू डालने पे अगर ये जीरो हो रहा है तो सर्टेनली x माइनस टू उसका क्या है, एक फैक्टर है। इसका मतलब x माइनस टू हम दो बार लिख देंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम क्या मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कि थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x तो पहले से है, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और थ्री टू जा माइनस सिक्स एक्स चाहिए माइनस एक्स, इसका मतलब हमें पांच एक्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो पांच मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव एक्स जो यहां से माइनस सिक्स एक्स आने वाला है उसमें फाइव एक्स एड अप हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, और फाइव टू जा टेन वो भी जाएगा, ये काम बनना ही है। और नीचे हम लोग एक्स माइनस टू और क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऊपर से एक्स माइनस टू कॉमन करेंगे और इस एक्स माइनस टू को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यही एक्स माइनस टू क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इनडिटर्मिनेंसी। तो हम यहां लिख देंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू टू, अगले स्टेप में कॉमन करके काट देंगे, और बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू टू, थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, अब वैल्यू बस प्लेस करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट हो गई, अब इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची है, तो क्या लिख देंगे, थ्री इंटू टू प्लस फाइव अपॉन टू प्लस टू, कितना आता हुआ दिख गया, सिक्स प्लस फाइव इलेवन अपॉन क्या हो गया, फोर हो गया, दैट इज आंसर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेम काम यहाँ पे है, देखिए थ्री रखेंगे ऊपर जीरो हो रहा है, थ्री की पावर फोर एट्टी वन होता है, जीरो हो गया, डिवाइडर देखिए थ्री थ्री जाए नाइन, टू जाए एट्टीन, और फिफ्टीन माइनस थ्री माइनस एट्टीन, ये भी जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ भी इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है। फैक्टर कर लीजिए इसके, फिर नीचे वाले का फैक्टर कर लेंगे, तो एक्स की पावर फोर माइनस, इसे थ्री की पावर फोर लिख सकते हैं हम लोग, इसको नहीं फैक्टराइज करने वाले हम लोग, नीचे देख लेते हैं, तो हम कह देंगे एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक्स इक्वल टू थ्री डालने पे जीरो आ रहा था, इसका मतलब एक्स माइनस थ्री फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हम टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सिक्स एक्स, लेकिन माइनस फाइव एक्स चाहिए, तो प्लस का हमने यहाँ कर दिया वन, तो वन एक्स आके एड हो जाएगा, तो माइनस फाइव आपका ये कॉमन हो जाएगा यहाँ से। तो अगला स्टेप हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू थ्री हो गया, अब x माइनस थ्री कॉमन कर लीजिए और थोड़ा अरेंज कर लीजिए, देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, थ्री की पावर फोर अपॉन x माइनस थ्री, इसके नीचे लिख दिए इनटू, हमने लिख दिया वन अपॉन जो बचा टू एक्स प्लस क्या हो गया वन हो गया। तो हमने दो इसको दो तरह से देखा, दो फ्रेगमेंट कर लिए हमने, और दोनों ही हमारे लिए कैलकुलेटिव हो गया, एक फॉर्मूले से एक डायरेक्ट कैलकुलेटिव हो गया, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूले से आ जाएगा x की पावर n अब a की पावर n, है ना, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट कैलकुलेटिव, तो दोनों लिमिट अलग अलग कर दे देते हैं, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, हाँ थ्री, तो x अप्रोचिंग टू थ्री क्या हो जाएगा, ये x की पावर फोर माइनस थ्री की पावर फोर अपॉन क्या हो गया x माइनस थ्री इंटू लिमिट x अप्रोचिंग टू थ्री वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। अब यहां पे देखिए n हमारे लिए क्या हो गया फोर हो गया, और a क्या हो गया थ्री हो गया, की पावर n माइनस वन, फोर माइनस वन मतलब थ्री आ गया, इंटू ये क्या यहाँ थ्री रख देंगे तो थ्री टू जा सिक्स और प्लस वन क्या हो जाएगा सेवन, वन बाई सेवन, तो आंसर क्या आता हुआ दिख गया ट्वेंटी सेवन, फोर जा मतलब पच्चीस चौके सौ, दो चौके आठ, एक सौ आठ अपॉन सात, तो 108 अपॉन क्या हो गया सेवन, ये इसका आंसर हो गया। उसे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग x जीरो डाल देते हैं तो ये b बाई वन आ रहा है, ये ऑलवेज कैलकुलेटिव होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, डायरेक्ट वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन सी इंटू जीरो प्लस वन, दैट मीन्स
बी बाई वन, या आंसर क्या कह लें, बी आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, हमें पता है कि ये इनडिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट है। वन रखते ही वन की कोई भी पावर हो वो वन आना है, तो वन माइनस वन जीरो, नीचे भी जीरो। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग याद करें क्या होता था, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन क्या था, x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस वन, फॉर्मेट वही दिख रही है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है z माइनस वन, तो इसका भी तो मिसिंग है, तो क्यों ना हम लोग z माइनस वन से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए दोनों को, तो एक न्यूमरेटर में क्वेश्चन बन जाएगा, एक डिनोमिनेटर में क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग डिवाइड करने वाले हैं जेड माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, टू मेंटेन द फॉर्म, दिस फॉर्म जेड की पावर वन बाई सिक्स, ताकि वो फॉर्मूला हम रेडीमेड फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। और सवाल ये पैदा होता है, क्या जेड माइनस वन से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम हर उस क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं जो नॉन जीरो है, ठीक है। अब जेड वन को अप्रोच कर रहा है, वन के बराबर नहीं है, मतलब पॉइंट जीरो या पॉइंट नाइन 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 हो सकता है, लेकिन वो वन के बराबर नहीं है। इसका मतलब जेड माइनस वन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, है ना, वो वन को जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे एन हो गया आपका वन बाई थ्री न्यूमरेटर के लिए, और ए हो गया आपका वन, है ना, दोनों को अलग अलग लिमिट डिवाइड कर देंगे, हमें एक लिखे हैं अलग, यहां भी लिमिट लिख देंगे और यहां भी लिमिट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए की जगह वन हो गया कि पावर वन बाई थ्री और माइनस वन, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, एन ए की पावर एन माइनस वन, सेम डिनोमिनेटर के लगा देंगे, डिनोमिनेटर में एन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, वन बाई सिक्स हो जाएगी, और वन की पावर वन बाई सिक्स माइनस वन, तो वन की पावर क्या आ रही है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, ये वन ही आना है, तो यहां से हम कहेंगे सिक्स बाई थ्री मतलब टू आ गया, तो इसका आंसर क्या दिख गया हमें, टू दिख गया। तो सारा मामला पहले स्टेप का था कि पहले आप अप्रोच कैसे करते हो, है ना। अब आते हैं यहां पे, अगर x वन प्लेस करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जो जीरो नहीं है, ये नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है शायद, हाँ नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है, और यहां पे भी वन रखेंगे तो c प्लस बी प्लस ए आएगा, मतलब वही a प्लस बी प्लस सी, ये भी नॉन जीरो है। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, डिटर्मिनेंट है, ये इनडिटर्मिनेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्लेस करेंगे विदाउट हेजिटेशन, तो वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी आ गया और नीचे भी c प्लस बी प्लस ए आ गया, ओवरऑल ये तीनों वैल्यू क्या है, तीनों वैल्यू तो एक ही है, तो ये पूरा कट के वन आ जाएगा, तो आंसर इसका वन आ गया। अब यहां देखिए, अगर x की वैल्यू माइनस टू प्लेस कर दी जाए, उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स, और उसी के साथ ये इस डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x प्लस टू हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोचिंग टू क्या है, माइनस टू है, तो पहले तो ये उड़ा देते हैं हम लोग। अब माइनस टू प्लेस करेंगे तो वो इनडिटर्मिनेंट नहीं आने वाली है, डिटर्मिनेंट आने वाली है, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट कहेंगे इसको, और वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर देंगे, माइनस टू इंटू टू इंटू माइनस टू, एक्स की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो दैट इज माइनस वन बाई फोर। अब हम लोग नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कितनी अच्छी लड़की हो तो। देखो इसका मतलब ये फॉर्म हमें अपीयर करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे थीटा है वही थीटा नीचे रखना पड़ेगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स कर दिया हमने, और ए एक्स हमने डिवाइड किया है तो ए एक्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन बी एक्स पहले से बैठा हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा बाई क्या हो गया, थीटा हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे ए बाई बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ए बाई बी बाहर आ गया और लिमिट अंदर चला गया, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना, हाँ, तो इसका इसकी वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू वन हो गई, तो आंसर क्या हो गया, ए बाई बी हो गया। सिमिलरली यहां पे चलते हैं हम लोग, यहां देखो
तो क्या किया जाए, साइन ए एक्स अपान हमें ए एक्स चाहिए तो यहां इंटू ए एक्स कर लेंगे, और नीचे साइन क्या है बी एक्स है तो अपान बी एक्स करेंगे हम तो इंटू बी एक्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन अलग बन गया, ये अलग बन गया, और ये तो कट ही जाएगा ए बाई बी, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्या हो गया जीरो हो गया। और ये सारा करने से पहले समस्या तो समझ लेंगे कि ये इनडिटर्मिनेंट थी, है ना, साइन जीरो जीरो था, साइन जीरो जीरो था, जीरो बाई जीरो फॉर्म था, इसीलिए हम इस फॉर्म को अप्रोच किए, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिट वन हो गया, इसका भी वन हो गया, है ना, लेकिन लिख के दिखा देंगे वरना टीचर नंबर नहीं देगा ना, लिमिट क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स होल अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो ये ब्रैकेट वन, ये ब्रैकेट वन, और ये ए बाई बी तो है ही, तो आंसर इसका भी ए बाई बी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मामला एक्स को पाई रखते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो गया, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट है इसका मतलब, और ये भी साइन थीटा पॉन थीटा टाइप का दिख रहा है, तो क्यों ना हम पाई माइनस एक्स को थीटा प्लेस कर दें, तो पाई माइनस एक्स को क्या प्लेस कर दे रहे हैं थीटा, लेट कर लिया हम लोगों ने। अब सारी लिमिट थीटा में चेंज करनी पड़ेगी, तो यहां तो हो गया साइन थीटा हो गया, नीचे थीटा हो गया, ये पाई है, लेकिन यहां क्या किया जाए, तो यहां पे लिमिट थीटा के लिए चाहिए, अब एक्स के लिए नहीं चाहिए। तो देखिए थीटा अप्रोचिंग टू, तो जब एक्स पाई होगा तो यहां एक्स की वैल्यू पाई रख दीजिए, तो पाई माइनस पाई क्या हो गया जीरो हो गया, मतलब थीटा क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए इस पाई को बाहर करिए तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही होगी कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन क्या हो गया थीटा हो गया, और ये ब्रैकेट की वैल्यू वन होती है, स्टैंडर्ड लिमिट है, तो आंसर क्या आता हुआ दिख गया वन अपॉन पाई।